कौन कर रहा है फिल्म को प्रोड्यूस? क्या आने वाली फिल्म लगाएगी विजय सेतुपति के करियर में चार चांद? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। शादी के बाद अब जल्द ही कैटरीना कैफ नजर आएंगी श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म मैरी क्रिसमस में, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं रमेश तौरानी और संजय राउतरे। बता दे, पहली बार इस फिल्म में कैटरीना साउथ स्टार विजय सेतुपति संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरों में से एक है। ऐसे में विजय सेतुपति आने वाली इस फिल्म में तो धमाल करेंगे ही, लेकिन अगर उनकी 10 साल की कुछ बेहतरीन फिल्म्स को देखें तो अपने डेब्यू फिल्म थेमरकु परुवकार तू से ही विजय ने अपनी एक्टिंग का हुनर दर्शकों को दिखाया था। उसके बाद से उनके चाहने वाले उनको मक्कल सेलवान बुलाने लगे। विजय ने अपने करियर में अभी तक हर तरीके के किरदार निभाकर सबको इम्प्रेस किया है, जिसमें से एक 2012 में आई फिल्म पिज्जा है, जहां विजय ने एक हॉरर ड्रामा फिल्म में अपनी इनोसेंट एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया था, और फिल्म का क्लाइमैक्स सीन इतना जबरदस्त रहा जिसने सबको चौंका दिया था। वहीं विजय की एक्टिंग के साथ साथ उनके डायलॉग्स भी काफी फेमस रहे हैं। ऐसे में उनकी फिल्मों में उनकी कॉमेडी टाइमिंग और एक्टिंग के साथ साथ एनएचयू और पा जैसे फ्रेजेस फैंस के बीच हमेशा फेमस हुए हैं, और जल्द ही उनकी 2017 की दमदार फिल्म विक्रम वेदा का बनने जा रहा है हिंदी रीमेक, जिसमें हमें सैफ अली खान और ऋतिक एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में भी विजय की एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उनको इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब हॉरर कॉमेडी एक्शन के बाद विजय रोमांस में भी किसी से पीछे नहीं रहे। 2018 में आई फिल्म 96 में उनका रोमांटिक अंदाज देखकर सब शॉक्ड रह गए थे। ऐसे में अब आने वाली विजय सेतुपति की फिल्म मैरी क्रिसमस उनके फिल्मी करियर को एक लेवल अप करेगी और एक बार फिर सबको हैरान कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा जाएगी 24 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं विजय सेतुपति को एक बारी फिर बड़े पर्दे पर देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।